नमस्कार, मैं रितेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज भारत। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे उस शख्सियत से जिन्होंने एक गृहिणी होकर समाज के लिए कई कार्य किए हैं। समाज सेविका तथा बीजेपी नेत्री श्रीमती दर्शना सक्सेना, मुंबई में रहते हुए इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश आकर कई जिलों में निजी खर्च पर कैंपेन किया। यूपी के विभिन्न जिलों में जगह जगह कार्यक्रम कर मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक किया। StarNewsBharat.com से बातचीत में उन्होंने बताया कि अब वह यूपी में रहकर संगठन के लिए निरंतर कार्य करती रहेंगी। आइए आपको सुनवाते हैं उनसे इस विषय पर किए गए बातचीत के कुछ अंश। नमस्कार, मैं रितेश श्रीवास्तव। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो इसी तरीके से अभी भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव में इतनी बहुमत जीत हुई, उसके पीछे कहीं ना कहीं छोटे मोटे कार्यकर्ताओं का बड़ा हाथ रहा है। वो कार्यकर्ता जो बूथ लेवल से लेकर प्रदेश स्तर तक, राष्ट्रीय स्तर तक मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी को जिताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ऐसे में ही हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद है जो महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बढ़ चढ़ कर काम किया और बीच बीच में उत्तर प्रदेश में आकर के बनारस जैसी जगह पे, जहाँ पर नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वहाँ पर भी आपने बहुत काम किया। आइए हम आपसे मिलवाते हैं दर्शना सक्सेना, जो कि महाराष्ट्र में भी बीजेपी के लिए बहुत सारे कार्य किए, अब उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने अपने कार्य को लेकर के जागरूकता बढ़ाई। आपका स्वागत है। आप कैसे बीजेपी को देखते हैं, किस तरीके से उम्मीदवार कर रही थी आप महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में भी कर रही थी और अभी जैसे 2019 के चुनाव हुए थे तो मैं बनारस में भी थी। माननीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है तो उसमें वहाँ प्रचार में रही हूँ, ऊपर सभाएं की है मैंने वहाँ पर। और महाराष्ट्र में जब लोकसभा इलेक्शन थे तो वहाँ पर भी थी। तो कैसे मैनेज करती हैं आप वहाँ से फिर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आना, बार बार आपको रुकना और यहाँ पे कार्य करना, कैसे संभव हो पाता? एक्चुअली चुनाव के तो डेट अलग होती है, वहाँ पे थोड़ा सा वोटिंग हो चुका था तो फिर मैं बनारस आ गई थी। और जब बीजेपी की सरकार के लिए काम करना है, हमें भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना है, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए काम करना है, तो चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, तो एक कार्यकर्ता को चाहे वो ग्राउंड लेवल का हो या वो उच्च स्तर का हो, तो कार्य करने की अगर आपको देश के प्रति लगन है तो वो किसी भी क्षेत्र में जाके बढ़ चढ़ के काम कर सकता है, ये मेरा मानना है। अभी आप बनारस में भी 20 दिन लगभग रुके हैं, वहाँ को कैसा लगा, वहाँ की जनता कैसी लगी, कैसा नरेंद्र मोदी के लिए वहाँ की जनता पे किस तरीके का प्रभाव लगा? प्रभाव की बात कर रहे हैं तो एक सैलाब था, देखा जाए तो जैसे मेला जैसा, उत्सव जैसा नजर आ रहा था बनारस में। और मतलब ऐसा लग रहा था कि हम कोई फेस्टिवल कर रहे हैं, वो होली दिवाली, जैसे दिवाली पे एक पर्व मनाया जाता है, ऐसे बनारस के लोग ये पर्व की तरह मना रहे थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि यहाँ इलेक्शन है। मैं ग्रामीण क्षेत्रों में भी मैंने नुक्कड़ सभाएं करी है तो एक हर्षोल्लास का माहौल था सबकी जवान पे। केवल बच्चे बच्चे को आप पूछ लो तो किसको वोट दोगे बेटा, नरेंद्र मोदी को। परिवार को पूछ लो, बुजुर्ग को पूछ लो, जवान युवाओं को पूछ लो, वो ये कहते हैं हम तो प्रधानमंत्री जी को वोट देंगे, क्योंकि यहाँ जो धूल उड़ती थी अब हम भूदलपर से बच चुके हैं। यहाँ की सड़कें और हमें जो विकास दिया है वो भाजपा ने, नरेंद्र मोदी जी ने दिया। तो अभी हम उनसे बात कर रहे थे दर्शना सक्सेना जी, जो की भाजपा नेत्री है, उन्होंने बताया की हम अपनी पार्टी के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और जहाँ तक संभव हो सकेगा हम पार्टी को और बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलते रहेंगे, जहाँ हम पहुँच नहीं पाए वहाँ पहुँचेंगे, जिन कार्यकर्ताओं से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई उनसे मुलाकात करेंगे और पार्टी के संगठन को और मजबूत बनाएंगे। कैमरामैन गौरव के साथ मैं रितेश श्रीवास्तव, स्टार न्यूज़ भारत, लखनऊ।